तो वेरीफाइड अकाउंट्स की बात ही अलग है। हर कोई चाहता है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जो उसका अकाउंट है वो वेरीफाई कर दिया जाए, जिसकी सबसे बड़ी पहचान होती है एक ब्लू टिक, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ट्विटर पर वेरिफिकेशन प्राप्त करना। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोग वेरिफिकेशन के लिए ट्विटर पे एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की ये फुलफिल नहीं हो पाती है, रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन कैसे पता चले कि आपकी रिजेक्ट हो गई है? ऐसा कोई अभी तक दोस्तों आपको नोटिस वगैरह नहीं दिया जाता था, फिलहाल अब मिलेगा। पूरी डिटेल इंट्रो के उस पर बताने वाला हूं क्या होगा। लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया कि आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं ट्विटर के वेरिफिकेशन प्रोसेस की। इस प्रोसेस में ज्यादातर लोगों को वेरिफिकेशन बैच नहीं मिल पाता है, रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है, लेकिन उसका रीजन पता नहीं चलता है। अब ट्विटर कुछ ऐसा करने जा रहा है कि हर एक एप्लीकेंट को पता चलेगा कि किस की रीजन से, किस कारण से उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया है। ऐसा ही कुछ ऑफिशियल ट्वीट्स में ट्विटर ने अनाउंस किया है कि यूजर्स ने उससे मांग कर रहे थे कि आखिर वो रीजन तो कम से कम बता दिया करिए जिससे कि जिसकी वजह से एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि तीन जो कारण बताए गए हैं, सबसे पहले तो इंडिविजुअल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, इन सब के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो फॉलोअर्स काउंट है। ट्विटर के अकॉर्डिंग जिस भी जो ज्योग्राफिकल रीजन है वहां पर जितने भी एक्टिव अकाउंट्स ट्विटर के चल रहे हैं उनमें से 0.05% जो एक्टिव यूजर्स हैं वो उस अकाउंट को फॉलो करते हो, कम से कम इतना तो हो। ये एक सबसे पहला पायदान है किसी भी अकाउंट को वेरिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। अब दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कभी रिक्वेस्ट डालें अपने वेरिफिकेशन के लिए तो कम से कम आप अपने अकाउंट के जो फॉलोअर्स हैं आपके हैंडल के उन्हें जरूर देख लीजिएगा कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। कभी ऐसा ना हो कि एप्लीकेशन लगने के बाद वो स्ट्रेंथ की वजह से ही रिजेक्ट कर दिए जाएं। बढ़ते हैं दूसरे कारण की तरफ जो कि ट्विटर की तरफ से बताए गए हैं कि ज्यादातर एप्लीकेंट जो वेबसाइट सबमिट करते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए वो नॉन ऑथेंटिकेट होती है, यानी कि उन पर भरोसा ज्यादा नहीं किया जा सकता और यही वजह होती है कि ट्विटर उन हैंडल्स को वेरिफिकेशन बैच नहीं दे पाता है। इसीलिए आप लोग जो भी वेरिफिकेशन वहां पर रेफरेंस के तौर पर वेबसाइट के लिए वेबसाइट दे रहे वेरिफिकेशन के लिए वो कम से कम ऑथेंटिक होनी चाहिए, उनमें आर्टिकल जो है वो ऑथेंटिक होने चाहिए जिन पर जो ट्विटर की टीम है वो भरोसा कर सके। और तीसरा और आखिरी कारण बताया गया है जर्नलिज्म के लिए, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं या पब्लिकेशन हाउसेज होते हैं वो वेरिफाइड है ट्विटर पे और नो डाउट कि उनके पब्लिश्ड जो आर्टिकल है वो भी वेरिफाइड ही ट्विटर की तरफ से माने जाते हैं। अब आप अगर फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं तो आपके कम से कम ऐसी जो वेरिफाइड जो पब्लिकेशंस हैं वहां पर 3 आर्टिकल पिछले के 6 महीने में पब्लिश होने चाहिए जो कि आप वहां पर रेफरेंस के तौर पर एप्लीकेशन में सबमिट करेंगे। इन तीनों आर्टिकल को टीम वेरीफाई करेगी, अगर वो एक्टिव होंगे और जो एक्टिव पब्लिकेशंस हैं वेरीफाइड पब्लिकेशंस हैं वहां पर वो पब्लिश किए गए होंगे तो आपका अकाउंट इजीली वेरीफाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप नॉन ऑथेंटिकेट पब्लिकेशंस पर आर्टिकल आपके पब्लिश होते हैं जिनको ट्विटर नहीं मानता, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा और उसके लिए आपको एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हो सकता है कि एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट जो है सबमिट करनी पड़े। तो 3 कारण जो ट्विटर की तरफ से बताए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल आपको ये तो पता ही होगा कि कई सालों के बाद इस साल की शुरुआत में ट्विटर ने वेरिफिकेशन बैजेस के लिए एप्लीकेशन अलाउ की थी और एकदम दोस्तों बाढ़ आ गई एप्लीकेंट्स की और उसके बाद में एक बार फिर से इसको बंद कर दिया गया। फिलहाल अभी बंद चल रहा है क्योंकि जो पहले से एप्लीकेशन आई हुई है इस साल उनको ही प्रोसेस में लिए हुए हैं ट्विटर और उनको लेकर रिजेक्ट या जो भी है वेरीफाई वगैरह वो सारे प्रोसेस चल रहे हैं। जल्दी ट्विटर ने कहा है कि इसको एक बार फिर से रिज्यूम करने जा रहा है वेरिफिकेशन बैचेस के लिए। जब भी होगा दोस्तों आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल ये डिटेल कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जोड़ दीजिए चैनल साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।